कैनन कैमरे जाने जाते हैं अपनी बहुत ही अच्छी कैमरा बॉडी डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और अपनी इमेजेस के अंदर बहुत ही अच्छी कलर साइंस की वजह से। तो अगर आप एक कैनन कैमरे को परचेज करने का सोच रहे हैं तो मेरी ये टॉप 5 कैनन कैमरे की लिस्ट आपको जरूर हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम बिगनर से लेके प्रोफेशनल लेवल तक के कैनन कैमरे के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल, और इस चैनल पे हम कैमरा रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को शेयर करते रहते हैं। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए। कैनन 1500D बेस्ट सेलिंग APS-C DSLR कैमरा है और ये कैमरा बिगिनर्स के बीच बहुत ही फेमस है। इस कैमरे की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें 24.1 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जिससे कि हमें बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस मिलती हैं। इस कैमरे के अंदर हमें 100 से लेके 6400 तक का ISO रेंज मिल जाता है। क्योंकि इसकी ISO रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से इस कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के कैमरे के हिसाब से ये ISO रेंज ठीक है। इस कैमरे के अंदर हमें 3 फ्रेम पर सेकंड तक की हाई स्पीड शूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये भी इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कैजुअली फोटोज लेने के हिसाब से ये फ्रेम रेट ठीक है। इसके अंदर हमें 9 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं, जिनमें से सेंटर वाला क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पे वर्क करता है। फोटोग्राफी करते समय तो इस कैमरे का ऑटो फोकस अच्छा है, लेकिन इस कैमरे से वीडियोस बनाते समय हमें फोकस हंटिंग की दिक्कत जरूर आती है, जिस वजह से मैं ये कैमरा वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स को सजेस्ट नहीं करता हूँ। इस कैमरे की वीडियो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वहाँ हम फुल HD की वीडियोस को 30fps तक शूट कर पाएंगे और 720p की वीडियोस को 60fps तक शूट कर पाएंगे, जो कि इस प्राइस रेंज के कैमरे के हिसाब से ठीक है। इस कैमरे की बैटरी लाइफ 4 से 6 घंटे तक चलती है, जो कि इस प्राइस रेंज के कैमरे के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। अब कैनन 1500D में सजेस्ट करूंगा उन सभी लोगों को जो कि बिना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए अपनी फोटोग्राफी की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। इस कैमरे की बॉडी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है और बटन लेआउट बहुत ही इजी है, जिस वजह से ये कैमरा कोई भी बिगनर बहुत ही आसानी से सीख पाएगा। लेकिन अगर आप एक वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं तो मैं आपके लिए ये कैमरा सजेस्ट नहीं करूँगा। कैनन M50 वर्ल्ड का मोस्ट सेलिंग APS-C मिररलेस कैमरा है। ये कैमरा परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि अपनी फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग की स्टार्टिंग एक मिररलेस कैमरे के साथ करना चाहते हैं। इस कैमरे की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कैमरे के अंदर हमें 24.1 मेगापिक्सल का APS-C CMOS सेंसर मिलता है, जो कि डिजिगेट प्रोसेसर पे काम करेगा। अब डिजिगेट प्रोसेसर होने की वजह से इस कैमरे का लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। इस कैमरे के अंदर हमें 100 से लेके 25600 तक की ISO रेंज मिल जाती है, जो कि एक्सपेंडेबल है 51200 तक। इस कैमरे से हम 10 फ्रेम पर सेकंड तक की हाई स्पीड शूटिंग कर पाएंगे, जो कि इस प्राइस रेंज के कैमरे के अंदर मिलना बहुत ही इंप्रेसिव बात है। अब ये फीचर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो कि फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को इस कैमरे से शूट करना चाहते हैं। इस कैमरे के अंदर हमें 143 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं, जो कि फेस डिटेक्शन पर भी वर्क करते हैं। अब कैनन के डुअल पिक्सल ऑटो फोकस होने की वजह से इस कैमरे का ऑटो फोकस फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग दोनों में ही बहुत ही अच्छा है। इस कैमरे की वीडियो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कैमरे से हम 4K वीडियोस को 30fps तक शूट कर पाएंगे, लेकिन विद एन एडिशनल क्रॉप ऑफ 1.7x। और इस कैमरे से 4K वीडियोस बनाते वक्त हमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस नहीं मिलता है, उसकी बजाय हमें कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस मिलता है, जिस वजह से इस कैमरे से 4K वीडियोस को ऑटो फोकस पे बनाना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस कैमरे के अंदर हमें फुल HD की वीडियोस को 60fps तक शूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और 720p की वीडियोस को 120fps तक शूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कैमरे के अंदर हमें फुली आर्टिकुलेटेड टच स्क्रीन भी मिलती है, जो कि ब्लॉगर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब कैनन M50 मैं सजेस्ट करूंगा उन सभी लोगों को जो कि अपनी फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग के लिए 60,000 के प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा कैमरा लेना चाह रहे हैं। इस कैमरे की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इस कैमरे के सिंपल फंक्शंस की वजह से ये कैमरा कोई भी आसानी से यूज कर पाएगा। कैनन 90D कैनन की तरफ से एक बहुत ही शानदार DSLR कैमरा है और ये कैमरा मेनली फिल्ममेकर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस कैमरे की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कैमरे के अंदर में 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है और इस कैमरे के अंदर में 100 से लेके 25600 तक की ISO रेंज मिल जाती है, जो कि एक्सपेंडेबल है 51200 तक, जिस वजह से इस कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है। और इस कैमरे के अंदर हमें 10 फ्रेम पर सेकंड तक की हाई स्पीड शूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है एक 32 मेगापिक्सल के कैमरे के लिए, क्योंकि इससे खींची गई इमेजेस की रिजोल्यूशन बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा। बाकी इस कैमरे के अंदर हमें 45 ऑटोफोकस पॉइंट मिल जाते हैं, जो कि सभी डुअल पिक्सल ऑटोफोकस पे वर्क करेंगे,
जिस वजह से इस कैमरे का ऑटो फोकस वीडियोज और फोटोज के अंदर बहुत ही कमाल का है। अब इस कैमरे की एक खास बात है, इस कैमरे से हम 4K वीडियोस को बिना किसी एक्स्ट्रा क्रॉपिंग के 30fps तक शूट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव फीचर है एक फिल्म मेकर के लिए। और इस कैमरे से हम 1080p की वीडियोस को 120fps तक शूट कर पाएंगे। लेकिन इस कैमरे का एक डाउन साइड है, इस कैमरे के अंदर हमें इनबॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। इस कैमरे के अंदर हम LPE6 बैटरीज को यूज़ करते हैं, जिस वजह से इस कैमरे की बैटरी लाइफ 4-6 आवर्स की है। अब ये कैमरा मैं सजेस्ट करूँगा उन सभी फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को जो कि 1,00,000 रुपए के अंदर एक DSLR कैमरा बॉडी लेना चाहते हैं। इस कैमरे के अंदर फिल्म मेकर्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं और इस कैमरे के अंदर हमें टिल्टेबल LCD भी मिल जाती है, जो कि एक फिल्म मेकर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये 3 कैनन के बेस्ट APS-C मिररलेस कैमरा बॉडीज थे। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैनन के फुल फ्रेम कैमरा बॉडीज के बारे में। कैनन USR कैनन का फर्स्ट फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा था और ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट फुल फ्रेम कैमरा है। इस कैमरे की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कैमरे के अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम CMOS सेंसर मिल जाता है, जो कि डिजिगेट प्रोसेसर पे काम करेगा। अब डिजिगेट प्रोसेसर होने की वजह से इस कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। इस कैमरे के अंदर हमें 100 से लेके 40,000 तक की ISO रेंज मिल जाती है। इस कैमरे के अंदर हमें 8 फ्रेम पर सेकंड तक की हाई स्पीड शूटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है एक 30 मेगापिक्सल के कैमरे के लिए, क्योंकि इस कैमरे से ली गई इमेजेस का रिजोल्यूशन बहुत ही हाई रहेगा। इस कैमरे के अंदर हमें साइलेंट शटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है कई वाइल्ड लाइफ और इवेंट फोटोग्राफर्स के लिए, क्योंकि कई बार शटर के साउंड की वजह से हम अपने सब्जेक्ट का अनवांटेड अटेंशन ग्रैब करते हैं, जिस वजह से हम अच्छे फोटोज नहीं ले पाते हैं। अब इस कैमरे के अंदर साइलेंट शटर के ऑप्शन की वजह से हम अपने सब्जेक्ट को बिना डिस्टर्ब किए उसके अच्छे फोटोज ले पाएंगे। इस कैमरे के अंदर हमें 5,655 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 88% ऑफ द फ्रेम को कवर करते हैं। और इस कैमरे के अंदर हमें एनिमल और ह्यूमन आई को ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिस वजह से इस कैमरे का ऑटो फोकस बहुत ही अच्छा है। इस कैमरे की वीडियो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कैमरे से हम 4K वीडियोस को 30fps तक शूट कर पाएंगे, बट विद एन एडिशनल क्रॉप ऑफ 1.7x, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन अगर इस कैमरे से 1080p की बात करें तो वहाँ हम 1080p की वीडियोस को 60fps तक शूट कर पाएंगे, जो कि ओवर सैम्पल्ड फुटेज होगी 4K की, जिस वजह से इसकी 1080p की वीडियो क्वालिटी बहुत ही हाई रिजोल्यूशन की है। और इस कैमरे से हम 720p की वीडियोस को 120fps तक शूट कर पाएंगे। और इस कैमरे के अंदर हमें कैनन की सी लॉक पिक्चर प्रोफाइल भी मिल जाती है, जिस वजह से हम अपनी वीडियो फुटेजेस को एडिटिंग के टाइम और भी अच्छे से कलर ग्रेड कर पाएंगे। अब ये कैमरा मैं सजेस्ट करूँगा उन सभी फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को जो कि 2,00,000 रुपए के अंदर एक कैनन का अच्छा मिररलेस कैमरा लेना चाहते हैं। भले ही इस कैमरे के 4K के अंदर हमें 1.7x का क्रॉप मिल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये कैमरा वैल्यू फॉर मनी है। फर्स्ट कैमरे का नाम जानने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये तो कैनन के कैमरे के भी स्पेसिफिकेशन को एक बार चेक करें, कैनन USRP एंड कैनन 5D Mark IV। कैनन R5 कैनन का अभी तक का बेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है। अब इस कैमरे की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस कैमरे के अंदर हमें 45 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम CMOS सेंसर मिलता है, जो कि डिजिक एक्स प्रोसेसर पे काम करेगा। अब डिजिक एक्स प्रोसेसर होने की वजह से इस कैमरे की लो लाइट परफॉर्मेंस फोटोज और वीडियोज दोनों में ही बहुत ही कमाल की है। इस कैमरे के अंदर हमें 100 से लेके 51,200 तक की ISO रेंज मिल जाती है, जो कि एक्सपेंडेबल है 1,02,400 तक। इस कैमरे की हाई स्पीड शूटिंग की बात करें तो इस कैमरे से इलेक्ट्रॉनिक शटर पे हम 20 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर पाएंगे और मैकेनिकल शटर पे हम 12 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर पाएंगे। इस कैमरे के अंदर हमें साइलेंट शूटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि कई सिचुएशन में बहुत ही काम का होता है। ऑटो फोकस की बात करें तो इस कैमरे के अंदर हमें 5,940 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं, जो कि 100% ऑफ द फ्रेम को कवर करते हैं। अब ये बहुत ही इंप्रेसिव है। और इस कैमरे के अंदर हमें एनिमल, बर्ड एंड ह्यूमन आई को डिटेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। अब इस कैमरे की वीडियो फीचर्स की बात करें तो इस कैमरे से हम 8K वीडियो को 30fps तक शूट कर पाएंगे, लेकिन 8K वीडियोज़ को हम ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कैमरा ओवरहीट होने लगता है। बाकी इस कैमरे से हम 4K वीडियोस को 120fps तक शूट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। और इस कैमरे का ऑटो फोकस वीडियोस के अंदर बहुत ही एक्यूरेट है, जिस वजह से ये कैमरा मैं फिल्म मेकर्स के लिए तो ज़रूरी सजेस्ट करूंगा। और इस कैमरे के अंदर हमें 8x का इनबॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है, जब हम इस कैमरे के ऊपर RF माउंट के लेंसेज को यूज़ करते हैं, जिस वजह से इस कैमरे से हैंडल्ड वीडियो फुटेजेस बनाना भी बहुत ही ईजी हो गया है। इस कैमरे के अंदर हमें टिल्टेबल स्क्रीन और एक्सटर्नल माइक जैक भी मिल जाता है, जिस वजह से ये परफेक्ट कैमरा है एक फिल्म मेकर के लिए।
अब कैनन R5 मैं सजेस्ट करूंगा उन सभी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को जो कि अपनी कंटेंट की क्वालिटी को और भी हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इस कैमरे के अंदर हमें कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपका काम बहुत ही आसान बना देंगे। तो ये मेरी लिस्ट थी टॉप 5 कैनन कैमरास की। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट के अंदर कोई और कैनन कैमरा भी आना चाहिए तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।